सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानों के पर। तो जो आज की वीडियो होगी गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आज की वीडियो है वो है बिहार बोर्ड 12th डमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। गाइस, जैसे मैं आपको स्टेप्स फॉलो करके दिखाऊंगा, वही सिंपल स्टेप्स आपको भी फॉलो करने हैं, बहुत ईजी हैं, और यही फॉलो करके आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और जो स्टेप्स मैं फॉलो करूंगा आप भी सेम उनको ध्यान से देखकर फॉलो कीजिए। कि सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर आपको ऑनलाइन अपडेट एसटीएम सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपके सामने एक इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। वो पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे लिखा रहेगा होम ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। तो इस पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ये पेज को खोलेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन अपडेट एसटीएम इस पर लिखा होगा। तो आप थोड़े से इसको स्वाइप डाउन कीजिए। स्वाइप डाउन करते ही आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जॉब, सरकारी योजनाएं। तो इन सबको आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा स्वाइप डाउन नीचे कीजिए और यहाँ पे आपको एक एडमिट कार्ड का पोर्टल दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है बिहार बोर्ड 12th डमी एडमिट कार्ड 2023। उसके थोड़ा सा नीचे लिखा है बिहार बोर्ड 10th एडमिट कार्ड 2023। जो ये है, इनमें से आप दोनों 10th और 12th का कर सकते हैं, बट जो अभी हम फिलहाल करने जा रहे हैं वो है 12th का। तो 12th पर जाके ही आपको क्लिक कर देना है बिहार बोर्ड 12th का। क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, सेम वैसा ही पेज होगा जैसे आपके सामने पहले था। इसको भी थोड़ा सा स्वाइप डाउन कीजिए। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर आपके पास टाइम है जो भी इन्फॉर्मेशन है आप इनको एक बार रीड आउट जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे कुछ जो बताने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। आप देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट, ये जो एडमिट कार्ड है आपका डमी, ये जब डाउनलोड होना स्टार्ट होता है ये इसकी डेट दिखाई गई, 6 तारीख से ही आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया था। डमी एडमिट कार्ड करेक्शन डेट, जो आपकी ये करेक्शन डेट है वो 18 तारीख तक दिखाई गई है, 18/11/2022। तो इस तारीख तक आपका जो एडमिट कार्ड की करेक्शन है वो होगी। अब थोड़ा सा नीचे हम स्वाइप डाउन कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर इसको रीड कर लीजिएगा, जो भी ये इन्फॉर्मेशन है इनको आप रीड आउट जरूर कीजिएगा। अब थोड़ा सा स्वाइप डाउन कर लीजिए। स्वाइप डाउन करते ही आपको एक लिंक दिखाया जाएगा, डमी एडमिट कार्ड लिंक क्लिक हेयर। तो इस पे जाकर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ जाते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला होगा उसे यहाँ पे फिल कर देना है। जब आप इसे फिल कर लेंगे तो उसके नीचे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पे से फिल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कुछ भी चुन लेता हूँ, ये 2022, जैसे कि मैंने 2022 चुन लिया यहाँ पे से, कुछ भी अभी फिलहाल के लिए मैं चुन लेता हूँ, ये कोई भी मैंने डेट चुन ली है। चूज करने के बाद जो ये डाउनलोड का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने भी एक इसी प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 डमी एडमिट कार्ड। तो इसी प्रकार का आपका भी जो एडमिट कार्ड है वो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे रीड कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और इसके बाद थोड़ा सा स्वाइप डाउन करते ही हमें यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाया जाता है। इस प्रिंट के ऑप्शन पे जाकर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमें जो डेस्टिनेशन होगी देख लेनी है और यहाँ पे हमें एज अ सेव एज पीडीएफ कर देना है, ताकि जो आपका एडमिट कार्ड है वो एक पीडीएफ के तौर पर आपके पास सेव हो जाए। इस पर क्लिक करते ही आपको सेव पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे से आप अपनी फाइल का नाम जो है चूज कर लीजिएगा, जो डाउनलोड करा के मैं जैसे कि 12th यहाँ पे चुन लेता हूँ और ये जाकर मैं अपना सेव कर दूंगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो डमी एडमिट कार्ड है 12th का वो सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से आप भी अपना जो 12th का डमी एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।